हेलो, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे मिर्गी के बारे में, पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। हाँ, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी क्या है उससे संबंधित हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये वीडियो आपके लिए विभिन्न प्रकार के एग्जाम के लिए उपयोगी है। चाहे आप डीएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, स्पेशल एजुकेशन में खास करके एंड DSSSB का एग्जाम होता है, उसमें भी इससे सवाल आते हैं। और डिफरेंट टीचिंग एग्जाम कोई भी होता है, उसमें कोई ना कोई सवाल पूछ ही लेता है। तो आपके लगभग विभिन्न प्रकार के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। अगर आप किसी कोर्स को पाठ्यक्रम में एनरोल्ड हैं तो वहाँ किसी करिकुलम में भी टॉपिक हो सकता है, तो आप उसका पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं जिसमें मिर्गी, सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे कि आखिर मिर्गी है क्या। आप जानते हैं कि मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, यानी कि जो सेंट्रल, जो हमारा CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। कई बार ऐसे एक नंबर में सवाल आ जाता है कि मिर्गी संबंधित है या किस तरीके का विकार है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका जो नर्व सेल्स होती हैं उनकी गतिविधि बाधित हो जाती है, जिसके कारण दौरे या कुछ समय तक असामान्य व्यवहार, उत्तेजना और कभी कभी बेहोशी हो जाती है। आपने कई बार गांव में या कई जगह ऐसे देखा होगा जहां पर लोगों को चक्कर आ गया, गिर गया। लेकिन अगर बार बार चक्कर आता है तो हो सकता है कि उसको ये कारण भी हो, इस तरीके से मिर्गी भी हो सकती है। तो उसको किसी न किसी डॉक्टर को या साइकोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए कि आखिर क्या है, क्या प्रॉब्लम है। मिर्गी संक्रामक नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक को हो गया तो दूसरे को फैल जाती है, किसी के टच करने से हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं है। और मानसिक बीमारी या मानसिक कमजोरी के कारण नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आपके पास मानसिक कमजोरी है तो हो गई। ये आपके CNS में प्रॉब्लम होती है तब होती है। बीमारी से होने वाली मस्तिष्क क्षति से लेकर असामान्य मस्तिष्क विकास तक मिर्गी के कई संभव कारण हैं। इनमें जेनेटिक्स भी एक भूमिका निभा सकता है, यानी कि हो सकता है कि जेनेटिक भी हो सकता है कि हमारे दादाजी को हो, पापा जी को हो, या किसी और को रहा हो, तो उस कारण से भी मिर्गी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी से संक्रमित रूप से हो जाए, किसी को है तो दूसरे से हो जाए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेप्रोसी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, मिर्गी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह छोटे बच्चों और बड़े उम्र व्यक्तियों में अधिक आम बात है। भाई, अधिक उम्र के हो जाते हैं तो कमजोरी आ जाती है, बट ऐसा नहीं है कि मानसिक कमजोरी है तो हो ही जाएगा। ये मानसिक संतुलन ना हो पाने के कारण होता है, हमारा CNS खराब होता है, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि सिर की चोट दुनिया भर में मिर्गी का एक सामान्य कारण है, यानी कि सिर में अगर चोट लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं थोड़ा बहुत दीवार में लड़ जाए तो हमें मिर्गी हो जाएगा। इसमें हो सकता है तेजी से चोट लग जाए जिसकी वजह से आपका सिर बिल्कुल झनझनाहट में आ जाता है, टोटल काम करना बंद कर देता है। भारत में प्रति हजार आबादी में लगभग 14 लोगों के मिर्गी से पीड़ित होने की संभावना है, ये WHO की रिपोर्ट कहती है। अगर 1,000 आबादी है तो वहां पर लगभग 14 लोग मिर्गी से पीड़ित हैं, एपिलेप्सी से पीड़ित होने की संभावना रहती है। इसके अलावा आनुवंशिक विकार या मस्तिष्क पर आघात या स्ट्रोक जैसी चोट के कारण मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, यानी कि एक प्रकार से स्ट्रोक आ जाए, इंजरीज हो जाए, इस कारण से भी हो सकता है। और खास करके आनुवंशिक विकार भी हो सकता है। बताया ना कि अगर माता पिता में है या हमारे दादा परदादा में है या हमारे परिवार में से किसी को है तो चांसेस रहते हो सकते हैं, लेकिन हो ही जाएगा ये जरूरी नहीं है।
बट एक चांसेस रहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं जिसमें WHO के अनुसार है कि मिर्गी मस्तिष्क की एक पुरानी गैर संचारी बीमारी है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है, लगभग लगभग सभी एज में। लेकिन ये है कि ये ज्यादा अधिक उम्र और बच्चों को भी अधिक प्रभावित करती है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे, बहुत सारे मैंने भी केसेस देखे हैं जो मानसिक संतुलन नहीं रहता जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं और उनके लिए खतरा भी होता है। ऐसे लोगों के लिए एक व्यक्ति हमेशा लगभग साथ में चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि इसका एग्जैक्टली कोई इलाज नहीं है। आजकल लोग, बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि ये पुराने जन्मों का पाप है, हमने कोई गलत किया होगा इसलिए ऐसा हो गया है। ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज्यादा गहरी कोई चोट लग गई हो, बहुत ज्यादा हमेशा स्ट्रोक हो गया हो, उसके कारण से भी हो जाता है। टाइप देखते हैं इसके, अलग अलग टाइप्स होते हैं। दौरों के आधार पर मिर्गी के तीन प्रकार हैं। बहुत सारे लोगों को दौरा पड़ता है, यानी कि दौरा आया, इनबैलेंस हुआ और गिर गया। तो क्योंकि सीजर्स जो होते हैं, दौरे आते हैं किसी व्यक्ति को, ऐसा जरूरी नहीं कि कितनी बार आते हैं, कोई डिसाइडेड नहीं होता है, लेकिन उसके आधार पर भी तीन प्रकार बताए गए हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि मस्तिष्क के किस हिस्से पर मिर्गी की गतिविधि शुरू हुई है। आप जानते हैं कि हमारा कई सारा मस्तिष्क का भी प्रकार होता है, उसमें भी अलग अलग कहां पर किस हिस्से पर आघात हुआ है जिसके कारण से हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला है आंशिक दौरा, यानी कि पार्शियल सीजर्स हुआ है, उसके कारण देखते हैं हम। एक आंशिक दौरे का अर्थ होता है कि रोगी के मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में मिर्गी की गतिविधि हुई थी। आंशिक दौरे के दो प्रकार होते हैं। आंशिक दौरे का मतलब क्या है कि कुछ हिस्सों में मिर्गी की गतिविधि हुई थी। कहां के? मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में, क्योंकि मस्तिष्क का एक नहीं बल्कि बहुत सारा हिस्सा होता है और उसी में से कहीं ना कहीं गतिविधि हुई जिसकी वजह से आंशिक दौरा पड़ा। इसमें भी दो प्रकार बताए गए, जिनमें से सरल आंशिक दौरा है, एकदम सिंपल टाइप का। अब सिंपल पार्शियल सीजर्स की अगर हम बात करें तो इस दौरे की अवधि में रोगी जागरूक रहते हैं। ज्यादातर मामलों में रोगी अपने परिवेश से भी अवगत रहते हैं भले ही दौरा बढ़ रहा हो, यानी कि यह बहुत सीवियर कंडीशन का नहीं है। आदमी इसमें एक जागृत अवस्था में रहता है, ज्यादा उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो दौरे से गिर भी जाता है तो आसानी से वो खुद से भी अपने आप को उठ सकता है, क्योंकि अगर गहरा दौरा होता है वो खतरनाक होता है। इसके बाद है जटिल आंशिक दौरा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्शियल सीजर्स होता है। इसमें रोगी की चेतना खत्म हो जाती है, मरीज को आमतौर पर दौरे के बारे में याद नहीं रहता। आप जानते हैं अगर किसी की चेतना खत्म हो जाए, बुद्धि ही ना रहे, चिंता नहीं खत्म हो जाए, तो इसका मतलब आदमी फिर बेकार है, फिर तो वह जैसे कि लोग बोलते हैं ना पागल हो गया है, उस तरीके का भी हरकतें नजर आने लगती हैं लोगों को। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है काफी। अब किसी व्यक्ति की अगर कॉन्शियसनेस ही चली जाए, कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाए, चेतन क्षमता का लॉस हो जाए, तो ये खतरनाक है थोड़ा सा। इसके बाद है सामान्यीकृत दौरा, जनरलाइज्ड सीजर होता है कि एक सामान्यीकृत दौरा तब आता है जब मस्तिष्क के हिस्सों में मिर्गी संबंधी गतिविधियां होती हैं। जब दौरा बढ़ जाता है तो मरीज की चेतना खत्म हो जाती है। अब मिर्गी संबंधी गतिविधियां कैसे होती हैं, ये सामान्यीकृत होना है। अब मिर्गी का मतलब दौरा आने लगते हैं आपको, एक नहीं कभी कभी दो बार तीन बार भी आ जाएगा। इसके अंतर्गत कई सारे होते हैं कि जैसे टॉनिक क्लोनिक दौरे। टॉनिक क्लोनिक दौरे कैसे होते हैं? टॉनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं। ये सामान्यीकृत दौरे के शायद सबसे प्रसिद्ध प्रकार है। ये चेतना के लुप्त होने, शरीर के अकड़ने और कांपने का कारण बनते हैं। यानी कि चेतना का लुप्त हो जाना मतलब जो हमारा कॉन्शियस माइंड है,
कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है हमारा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में हम नहीं रह पाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, हम प्रेजेंट चीजों को पहचान नहीं पाते, तुरंत बता नहीं पाते, हम भूल जाते हैं, तो ये हमारा चेतना का लुप्त हो जाना होता है और यही हमारा इम्बेलेंस हो जाता है हमारे माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, जिसकी वजह से हम कांपने लगते हैं, शरीर भी अकड़ जाता है, तो ऐसे भी दौरे होते हैं। अब्सेंस सीजर्स भी कुछ होते हैं, अब्सेंस दौरे होते हैं, इसमें चेतना थोड़े समय के लिए लुप्त हो जाती है, मतलब आपको अगर दौरा आ गया तो हो सकता है आप गिर जाए और ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति आपको घूर रहा हो, बट ये है कि ये थोड़े समय के लिए लुप्त होती है, तो अगर आपको दौरे भी आएगा तो आप बाद में उठ सकते हैं खुद से। टॉनिक दौरे, ये मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, इस दौरे में व्यक्ति नीचे गिर सकता है, मतलब ये खतरनाक वाला है, और अगर व्यक्ति नीचे गिर गया एक बार तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मांसपेशियां पूरी तरीके से स्टिफ हो जाती हैं। एटॉनिक दौरे, एटॉनिक सीजर्स जो होते हैं, मांसपेशियों पर नियंत्रण में कमी, ऊपर था टॉनिक दौरे में जिसमें मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, बट इसमें क्या है, मांसपेशियों पर नियंत्रण में कमी आती है जिसके कारण व्यक्ति अचानक गिर जाता है या गिर सकता है। इस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछते रहते हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में और पूछते ही पूछते हैं, खास करके DSSSB के एग्जाम में पूछ लेगा सीधा सीधा, एटॉनिक दौरा क्या है, टॉनिक दौरा क्या है, चार ऑप्शंस दे देगा, उसके तो सवाल ही एकदम कठिन वाले रहते हैं, इसलिए आप भी पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान दीजिए, समझिए किसी चीज को। हम एटॉनिक दौरे की बात कर रहे हैं जिसमें मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता और किसी की मसल्स अगर लॉस हो जाए, उस पर कंट्रोल ना हो, तो क्या खतरनाक स्थिति हो जाएगी। इसमें अगर व्यक्ति गिर जाता है तो थोड़ा सा कठिनाई होती है। इसके बाद क्लोनिक दौरे होते हैं, क्लोनिक सीजर्स जो होते हैं, ये दौरे नियत अंतराल के बाद लगने वाले झटकों के साथ संबंधित होते हैं, ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, एक अंतराल के बाद दूसरा जो इसका एसोसिएटेड कंडीशन है वो बड़ा खतरनाक होता है, थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा और झटके आते हैं इसमें, आदमी को झाग भी कभी कभी निकलने लगता है। ये माध्यमिक सामान्यकृत दौरे हैं, वो सामान्यकृत थे बट ये माध्यमिक सामान्यकृत दौरे होते हैं। एक माध्यमिक सामान्यकृत दौरा तब पड़ता है जब मिर्गी संबंधी गतिविधि आंशिक दौरे के रूप में शुरू होती है लेकिन फिर मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में फैल जाती है। जब दौरा बढ़ जाता है तो मरीज अपनी चेतना खो देता है, खतरनाक चीज है, ऐसे ना हो तो ही ठीक है लेकिन किसी को हो जाते हैं तो अपने आप में शुद्ध बुद्ध अपनी चेतना पूरी तरीके से खो देता है और किसी व्यक्ति का चेतना चला जाए तो आदमी अपने आप को पूरी तरीके से लॉस समझता है। कॉजेस देखते हैं आखिर किस किस कारण से हो सकते हैं, क्योंकि बिना कारण से कुछ भी नहीं होता है दुनिया में कोई भी चीज। चलिए देखते हैं, जेनेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, जेनेटिक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। यह पीढ़ियों से चलते आ रहे मिर्गी के कुछ प्रकार महसूस किए गए दौरों या मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से द्वारा वर्गीकृत होते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि पीढ़ियों से चले आ रहे, मतलब एक जनरेशन होता है कि हमारा हमारे परदादा को था, दादाजी को था, फिर पिताजी को था, फिर मेरे को हुआ, ये क्या है, ये पूरा वंशानुगत है, पूरा ये क्या है, जेनेटिक हो जाता है। ये भी इस तरीके का भी कारण हो सकता है। सिर में चोट, ये भी एक कारण हो सकता है, हेड इंजरी किसी को हो गया, किसी के किसी घटना के कारण सिर में लगी चोट मिर्गे का कारण बन सकती है, लेकिन वो चोट इतनी मामूली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा खतरनाक वाली होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तेज वाला इंजरी हो जाए तब ऐसा बन सकता है। थोड़ा बहुत दीवार से लड़ जाना, कोई मार देना, नहीं कहा जा सकता कि बन जाएगा, बट हो भी सकता है।
मस्तिष्क की स्थिति ब्रेन कंडीशंस क्या होते हैं, ये ब्रेन कंडीशंस के आधार पर भी एक कारण होता है कि मस्तिष्क की स्थिति जो उसे ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक के रूप में क्षति पहुंचाती है मृगी का कारण बन सकती है। स्ट्रोक बड़ा खतरनाक होता है, अचानक से एकदम जाम हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ बंद कर देता है। ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है, खतरनाक बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है किसी को, तो ये कारण हो सकता है। आप जानते हैं कि 35 साल से अधिक आयु वाले वयस्कों में स्ट्रोक मिर्गी का एक प्रमुख कारण है। सबसे बड़ा अगर या तो छोटों को होगा या तो थोड़ा सा एज अधिक हो जाती है तो ये भी एक प्रकार का रीजन है। संक्रामक रोग, इन्फेक्शस डिजीज, संक्रामक रोग जैसे मेनिनजाइटिस, एड्स और वायरल इंसेफेलाइटिस मिर्गी का कारण बन सकते हैं, बट ये एक दिन के लिए नहीं है। कहा जाता है कि इनको थोड़ा अगर अधिक समय तक रहती हैं कोई चीजें, और ये जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से अत्यधिक तनाव और ऐसे प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं, तब जाकर के ये कारण बन सकता है। जन्म के पूर्व की चोट, प्रीनेटल इंजरी भी हो सकती है। प्रीनेटल कैसे होता है, आपका तो जन्म ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर जन्म से पहले बच्चे मस्तिष्क की चोट के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे माँ को होने वाला संक्रमण, अल्प पोषण या ऑक्सीजन की कमी। अब मान लीजिए बच्चा पेट में है और पेट में चोट लग गई माँ के, तो प्रीनेटल इंजरी कहलाता है कि बच्चे को लगी, माँ को लगी और बच्चे को लग गई, तो वहां भी चांसेस हो सकते हैं। डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, विकास संबंधी है, तो मिर्गी कभी कभी विकास संबंधी विकारों से भी हो सकती है, जैसे कि स्वलिनता और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, खतरनाक होते हैं। अपने आप में खोए रहना, समाज से कोई लेना देना नहीं है, और आदमी इस तरीके में पूरा कॉन्शियसनेस खो जाता है, उसे पता ही नहीं रहता दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खुद में खोया रहेगा तो सामाजिक नहीं होगा, और जब व्यक्ति सामाजिक नहीं होगा तो सीधी सी बात है उसके पास डेवलपमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा। बहुत सारे जेनेटिक, ब्रेन डैमेज, ब्रेन इन्फेक्शन, एल्कोहल यूज डिसऑर्डर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, चांसेस हो सकते हैं कि ऐसे होने के, बट जरूरी नहीं कि हो ही जाए, कारण हो सकते हैं। कोई भी कारण, कोई भी रीजन जब कंटिन्यूअसली लगातार होता है तब हम उसे मानते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, लक्षण एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। चक्कर आना, चक्कर आना एक प्रकार का लक्षण हो सकता है कि आदमी देख करके पहचान जाए कि ऐसा नहीं कि एक बार चक्कर आए तो गिर गया, पता चले उसको मई जून के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी है और पानी नहीं पिया तो चक्कर आ गया, तो ऐसा नहीं कि उसको मिर्गी हो जाएगा, वो कंटिन्यूसली होता है, अगर ज्यादा आता है तब कह सकते हैं। शरीर के अंगों में झंझनाहट का अनुभव होना, बॉडी पार्ट्स एकदम टिंगलिंग हो जाता है, ऐसा फील होता है, ये भी एक लक्षण है। स्वाद गंध दृष्टि में बदलाव होना, मतलब पता ही नहीं चलता है, स्वाद ही गायब हो जाता है, बट ये लक्षण एक दिन के नहीं है कि एक दिन किसी को स्वाद नहीं आया, पता चले कि वो बीमार था, दवा खा लिया जिसकी वजह से स्वाद नहीं आ रहा तो बोलेंगे इसको मिर्गी हो गया, बिल्कुल नहीं, तो वो कंटिन्यूसली में कोई होता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, नो रिएक्शन, एक ही जगह पर अपने नजरें टिकाए रखना, ये चांसेस हो सकते हैं कि क्योंकि वो अपना कॉन्शियस खो चुका है, उसे इधर उधर से कोई मतलब नहीं, एक ही जगह बिजी है। शरीर में अकड़न, आंत जो नियंत्रण होता है, कंपन, जीभ को काटना, चेतना का लोभ होना, इत्यादि लक्षण होते हैं। एक ही कार्य को पुनः दोहराना, आदमी एक काम को कर लेता है तो ठीक लगता है, ऐसा नहीं कि बार बार उसे करता रहता है, बट वो कार्य करना भी असामान्य तरीके से, व्यक्ति अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और गिर जाता है, ये इसलिए गिर जाता है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करना बंद कर देता है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, बैलेंस नहीं रहता ठीक से, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। चेहरे, गर्दन और
बाह की मांसपेशियों में झटके लगना, बाह मतलब हमारे हाथ जो होते हैं, व्यक्ति द्वारा चटकारे व आंखें झपकाने जैसी गतिविधि को दोहराते रहना। ठीक है, चटकारे आंखें झपकाना ये आम बात है, पता चले 4 दिन से व्यक्ति सोया नहीं है तो चटकाएगा झपकाएगा ही, लेकिन अगर वो डेली सोता है ऐसी प्रॉब्लम दिखती है कंटिन्यूसली तो चांसेस हो सकते हैं, एक प्रकार कह सकते हैं हाँ ये लक्षण है। मिर्गी का मुख्य लक्षण बार बार दौरे पड़ना है, अगर व्यक्ति बार बार गिर रहा है कंटिन्यूसली, उसमें फ्रिक्वेंसी अधिक है तो सीधी सी बात है वो एक पूरी तरीके से कारण लक्षण हो सकता है। बहुत सारे डायग्नोसिस परीक्षण होते हैं जैसे कि फिजिकल एग्जाम, मेडिकल हिस्ट्री, शारीरिक परीक्षा, चिकित्सा इतिहास, उसको पता लगता है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं उसका फिजिकल स्थिति को देख करके, उसका भी एग्जामिन करो। MEG, मैग्नेटो एंसेफलोग्राफी, ये भी एक प्रकार का परीक्षण है, इसे भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रो एंसेफलोग्राम EEG, ब्लड टेस्ट, रक्त परीक्षण भी किया जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट जो तंत्रिका से संबंधित होते हैं ये न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। इमेजिंग टेस्ट जो कई तरीके के होते हैं जिनमें सीटी स्कैन करवाते हैं हम, MRI करवाते हैं हम, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करवाते हैं, PET करवाते हैं, ये सब हम देखते हैं ना, हमारे मस्तिष्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो बोले चलो सीटी स्कैन करवा लो, उससे पता चल जाता है, हमारा स्कैन हो जाता है पूरा, क्या दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, सारी चीजें। तो ये सारे जितने डायग्नोसिस पॉइंट हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस में आपके आते रहते हैं। उपचार देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जा सकता है। एंटी एपिलेप्टिक, एंटी कन्वल्सेंट जो दवाएं होती हैं, ड्रग्स होते हैं, इस तरीके की जो दवाएं होती हैं आपको पड़ने वाले दौरों की संख्या को कम कर सकती है, कुछ लोगों में यह दौरे को खत्म कर देती है। डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दवाएं लेने से ये शीघ्र असर करती है। देखिए दौरों को कम कर देती है, ये दवा का नाम है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होता है। इसके बाद वेगस तंत्रिका उत्तेजक यानी कि वेगस नर्व स्टिमुलेटर, इस तरीके का भी आता है। यह उपकरण शल्य चिकित्सा द्वारा छाती पर त्वचा के नीचे लगाया जाता है और बिजली द्वारा गर्दन से होते हुए तंत्रिका को उत्तेजित करता है, इससे दौरों को रोकने में मदद मिल सकती है। इस तरीके के उपचार किए जा सकते हैं। केटोजेनिक आहार होता है, आधे से ज्यादा लोग जिन पर दवाओं का भी असर नहीं होता है उन्हें उच्च वसा और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार लेना चाहिए। आजकल तो हम फालतू की चीजें खाते रहते हैं जिनकी वजह से भी यह हमारा जो खान पान का स्टाइल है ये भी हमारे समस्या का परिणाम है, रीजन है। मस्तिष्क की सर्जरी, ब्रेन सर्जरी हो जाए तो मस्तिष्क का वह हिस्सा जो दौरों का कारण बनता है उसे हटाया या बदला जा सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनके, जिनमें सबसे पहला कि तंत्रिका रोग विशेषज्ञ जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ये तंत्रिका तंत्र विकार का इलाज करते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम हो जाता है हमारे नर्वस सिस्टम में, ये उसका इलाज करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, थिंकिंग नहीं कर रहा, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्शियसनेस उसका लॉस हो गया है, इन सभी का इलाज करते हैं। प्राथमिक देखभाल प्रदाता जो PCD होता है, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, रोगों की रोकथाम, पहचान और इलाज करते हैं, ये इनका शुरुआती दौर का मामला है। इसके अलावा आपातकालीन मेडिसिन चिकित्सक होता है, जो इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर होता है, ये भी आपातकालीन विभाग में मरीजों का इलाज करता है। अब बोलते नहीं कि इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ, तो अचानक से जब कोई होता है तो इमरजेंसी में ले जाया जाता है, तो ये वहां पर इलाज करते हैं, तो इस तरीके के भी डॉक्टर होते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे, ये पूरा मिर्गी का पूरा चैप्टर था। आपको समझ में आया या नहीं आया, या कमेंट में कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं कि और भी इसमें क्या चीजें जोड़ी जा सकती थी या और भी कुछ होता है, आपका स्वागत है आपके सुझावों का हमेशा। आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको लगता है कि अच्छा लगा है तो आप दूसरों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, और आपको लगता है कि ठीक ठाक है आपके हिसाब से तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर अच्छा नहीं लगता तो श्योर आप डिसलाइक करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।